नहीं चलता। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 10 और 11 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। दरअसल 6 महीने से झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ एक ही मांग सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सरकार नई नियोजन नीति कब लेकर आएगी। हालांकि सरकार की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि आज झारखंड बंद है, जिसको लेकर छात्र नेता देवेंद्र महतो के साथ साथ झारखंड के कई अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति ना चल। तो सीधा बात करते हैं छात्र नेता देवेंद्र महतो से, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज का बंदी कितना सफल रहा। पहले ये बताइएगा देवेंद्र जी, आज का जो बंदी है वो कितना सफल रहा? आज का जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, पांचों प्रमंडल के 2400 जिला के एकदम हर प्रखंड स्तर 81 विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के लोग सड़क पे उतर के सुबह से बंद उतर करके बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसमें सबसे एक अलग फुटेज में देख रहे होंगे कि महिलाएं भी बहुत आगे निकले हुए हैं, और सभी माताएं बहनें का एक ही कहना है कि 60-40 झारखंड में नहीं चलते। सुबह से रांची के विभिन्न जगहों पर हम लोग खुद, हमारे पूरा टीम उतर उतर के बंद करा रहे हैं। पूरा खादगाड़ा से एक भी बस नहीं निकला है जिला को जोड़ने वाला। आपका ITI बस स्टैंड से एक भी बस नहीं निकला है। आपका रेलवे स्टेशन से बगल वाला बस डिपो से और धुरवा बस स्टैंड से बिल्कुल बस पूरा एकदम बंद है। रोड पे NH पे हम लोग झारखंड का लाइफ लाइन टाटा रांची रोड, कोलकाता बरी से बारागोड़ा तक जोड़ने वाला रोड पूरा तरह बंद। हम लोग ने खुद सड़क पे उतर के टायर वगैरह जला करके बंदी किया है। इस प्रकार से और अलग अलग जगह पूरा संथाल परगना प्रमंडल में बहुत लोग निकले हुए हैं। वहाँ तो टेंट लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कि एकदम रात में भी रुकना है सड़क में ही, कहीं खिचड़ी बन रहा है, कहीं टेंट लग रहा है। और सब ने ठाना है कि मैंने हम लोग का जो 60-40 है ये नहीं चलेगा। इसलिए आज इस बंदी के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का भी जो है कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है। हमारा इस बंदी को देखते हुए उन्होंने खुद इसका पुष्टि ट्विटर के माध्यम से किया है। इस प्रकार से हर नेता मंत्री का बड़ा बड़ा कार्यक्रम स्थगित है। तो आगे हम सरकार से ही कहेंगे कि जल्द से जल्द 60-40 को आप वापस करके झारखंडी हित में संवैधानिक खतियानी आधारित नियोजन नीति लागू करिए और जितने भी रिक्त पद हैं झारखंडियों को नौकरी दीजिए। और इस बंदी को असफल करने के लिए बहुत साजिश रचा सरकार, चारों तरफ चाचो 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 उसका सायरन बज रहा है। पूरा पुख्ता इंतजाम से उसका प्रशासन लगे हुए है। छात्र को हौसला डाउन करने के लिए CGL का वैकेंसी 9 तारीख से हमारा कार्यक्रम है, और जस्ट एक दिन पहले जो है कि 7 तारीख को विज्ञापन निकाला जा रहा है। लेकिन इससे झारखंडी छात्र आक्रोशित हैं, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अदर स्टेट ऑल्सो भी एलिजिबल। तो भाई बाकी तो फिर झारखंडी कहाँ जाएंगे? 3.25 करोड़ जनता का दिल में एक ही सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन क्यों हुआ था, क्यों गठन हुआ था झारखंड? क्या इसीलिए कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जो यहाँ के सिपाही भी झारखंडी न बने, यहाँ के दरोगा भी झारखंडी न बने, यहाँ के मास्टर भी झारखंडी न बने, यहाँ की CGL सचिवालय में भी झारखंडी नहीं बने? तो ये एक तरफ विधायक सांसद लिख के दे रहे हैं कि 60-40 नहीं चलते, और दूसरी तरफ यहाँ 60-40 के तहत जो है कि विज्ञापन पे विज्ञापन निकल रहा है। का भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि नियोजन नीति आप लोगों के हित में होगा, लेकिन दूसरी ओर जो विज्ञापन जारी हो रहा है उसमें ओपन फॉर ऑल है, तो आप लोग लगातार इसको लेकर भी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। वही तो हमारा मुख्य लड़ाई है, उसी का तो लड़ाई है कि बड़ी बड़ी बातें कर रही है सरकार कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 के बाद जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं। 1932 विधानसभा से पास हुआ तो एकदम करोड़ों रुपये के गांव गांव पोस्टर टांग दिए। ये एक तरफ से खतियान 32 बात करते हैं, दूसरी तरफ विज्ञापन में झारखंड शब्द तक का जिक्र नहीं करते हैं। तो ये जो दुमुहा नीति है, एक तरफ यहाँ का 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायकों ने लिखित समर्थन दिया है,
दिए, 13 सांसद भी दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कि विज्ञापन में विज्ञापन निकाल रहे हैं जिसमें जो है कि 60-40 का प्रावधान है, ओपन फॉर ऑल है। तो ये जो दुमुहुआ नीति है, ये दुमुहुआ नीति से झारखंड बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। माताएं बहने जो है कि पारंपरिक हथियार, और हम लोग इतना ऐतिहासिक बंदी होने का ये कि हम लोग का है कि पिछले 31 दिनों से हम लोग का आंदोलन कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा सकुआ घुमा घुमा करके बजा करके मांदर बजा बजा के कह रहे हैं कि इस बार जो है कि 60-40 न चलता हो, और 10-11 जून लगातार 2 दिन 48 घंटा पूरा झारखंड बंद रहेगा। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा यहाँ के बस चालक को, ट्रक एसोसिएशन को, ऑटो एसोसिएशन को, दुकानदार समिति को, बाजार संघ को, कि उन्होंने स्वतः बंद करके हमारा इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। देवेंद्र जी, पिछले बार भी आप लोग झारखंड बंद का ऐलान किए थे, कई लोगों को डिटेन किया गया जिसमें आप भी शामिल थे, इस बार भी नोटिस जारी किया गया लगभग 15 लोगों को, तो क्या फोन आ रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से बच रहे हैं आप लोग, क्योंकि 2 दिवसीय बंदी है? देखिए, इस बार हम लोग बहुत चालाकी से कर रहे हैं, पूरा प्रशासन का सख्त उच्च स्तरीय बैठक हुआ था, अखबार में भी आया है, सख्त निर्देश है, बंदियों को जो है कि पकड़ लेना है। लेकिन हम लोग युवा हैं, हर जगह प्रशासन से हम लोग चालाकी से चकमा देते हुए अलग अलग जगह जाकर निकल के हम लोग बंदी करा रहे हैं, जिसका हम लोग आप देखें कि आज राजधानी के अंदर से एक भी बस निकलने नहीं दिए। खादगाड़ा बस स्टैंड गए, वहाँ लगभग 1-2 घंटा पूरा बस स्टैंड में हम लोग जो है कि सबको हाथ जोड़ के निवेदन किए, गुलाब फूल दे करके निवेदन किए कि छात्र हम लोग मजबूर हैं, महासंकट में हैं, हम लोग का अंधकार छाया हुआ है, हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हम लोग को आप लोग सहयोग करिए और बंद रख के आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करिए। सभी को आगे आके करके सहयोग दिए, और बहुत ऐसा बस था जिसका टिकट भी कट चुका था लेकिन सबका पैसा रिटर्न कर दिया गया, और सबको को बोल दिया गया कि नहीं, आज झारखंड बंद है तो आज और कल 2 दिन हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। उसी प्रकार उसी तरह से गुलाब फूल देके हम लोग ITI बस स्टैंड में भी गाड़ी रोके, सरकारी बस स्टैंड में गाड़ी रोके। तो हम लोग ये नम्र निवेदन करके हम लोग सबको कर रहे हैं, तो इसीलिए ये नोटिस और बाकी जो भी प्रशासन है वो अपना काम कर रही है। चूंकि सरकार हर बार हमारा आंदोलन को ध्वस्त करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार इस बार चलाई है, CGL का भी एक तरफ विज्ञापन निकाल रही, छात्र सोच रहे मजबूर हो गए, लेकिन कल का जो मिसाल जुलूस में जो लाखों की संख्या में पूरे झारखंड के लोग निकले अलग अलग जगहों पर, इससे ये तो साबित हो गया कि अब हम कुछ भी तीर चलाएंगे, कुछ भी हथियार चलाएंगे तो झारखंड एकता को अब हम नहीं तोड़ पाएंगे। और इन लोग के लिए अब कोई जो है कि 60-40 से बड़ा और कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए झारखंड में 60-40 को एकदम वापस करना ही होगा अब सरकार को, और हमको विश्वास हो गया है कि अब हमारा जीत सुनिश्चित होगा और हर घर घर में एक एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा। चूँकि CGL के बाद इतना लोग सड़क पर निकले, मतलब और हमारा आंदोलन को अब कुछ कमजोर नहीं कर सकता है। कितना चैलेंजिंग रह रहा है इस तरीके का आंदोलन करना, क्योंकि लगातार PCR वैन भी इधर उधर घूम रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है क्या? देखिए, जीवन में अगर रिक्स नहीं है, चैलेंज नहीं, अगर अपना झारखंड को जो सरकारी तंत्र गुलाम होने से बचाने से अगर नहीं रोक सकते, तो जैसे देश आज़ाद के लिए लोग कितना शहीद हो गए, तो हमारा तो एक छोटा राज्य है, इस राज्य में कितनी खूबसूरती है, यहाँ पर प्रकृति का गोद बसा हुआ है, इसको बचाने के लिए, हमारी माटी को बचाने के लिए देवेंद्र भैया के नेतृत्व में हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सूरज जी हो गए, हमारे और भी साथी हैं, हम लोग सबको ही सुबह से कोई सत्तू पी के गिलास है, कोई माता जी मिल रही, तो कोई हम लोग को आम एक को दे रहे हैं, तो इस तरीका से लोगों का माता पिता सबका समर्थन है कि झारखंड की लड़ाई लड़ना है और इसको हम लोग 40 का नियोजन नीति वापस आपका करना है। तो माटी बचाने की लड़ाई फिलहाल झारखंड की अभ्यर्थी कर रहे हैं, इनका कहना है कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर अगर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी तो इसी तरीके से तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठाएंगे। देवेंद्र, मैं तो बताते हैं कि लगभग 72 विधायक और 13 सांसदों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो गया है, जिसको लेकर अभी आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लिहाजा अभ्यर्थी अब आगे की रूपरेखा तैयार करने को लेकर एक रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।